रही है इस फिल्म को, और आपने देखा फर्स्ट लुक देखा, कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर कर्मपुत्र को? सबसे पहले तो गुड इवनिंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपकी एक्ट्रेस माही खान, और खुशी की बात अगर करूँ तो खुश तो मैं आज बहुत हूँ। सबसे पहले तो विनोद जी का बर्थडे है, सो विश यू है वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। और आपके बर्थडे के दिन इतना स्पेशल हो रहा है, तो मैं तो यही भगवान से, अल्लाह से प्रे करूँगी कि हर बर्थडे में आपके हमेशा ऐसे स्पेशल कुछ ना कुछ हो। और खुशी तो मुझे बहुत हो रही है कि यहाँ पर कहते हैं कि सपने जब पूरे होते हैं तो बहुत 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 खुशी होती है, और आज एग्जैक्टली और आज वैसा ही कुछ महसूस हो रहा है। और इस फिल्म की शूटिंग तो थोड़ी बहुत हम लोगों ने की है, और अब भी शूटिंग चल रही है, और जैसा होगा अपडेट फिर आप लोगों से। थोड़ा किरदार के बारे में भी आपका जानना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में। इस फिल्म में जो मेरा रोल है एज ए लीडिंग एक्ट्रेस आपको पता ही है, और साथ ही साथ एक दबंग लड़की जो जिसका मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उस फिल्म में, जो कि कहीं भी किसी से भी लड़ जाती है, किसी से भी भिड़ जाती है, किसी हर एक बात से बेखबर है, उसे कुछ प्यार मोहब्बत से तो कोई मतलब ही नहीं है, मतलब जब देखो तब लड़ाई, बाइक राइडिंग करना, ये सब शौक है उसके। तो उस लड़की को अगर किसी से प्यार होता है तो फिर उसके बाद क्या क्या होता है, वो आपको इस फिल्म के जरिए देखने को मिलेगा। विनोद जी, आप थोड़ा माही के बारे में बताएं, आपके दोनों के केमिस्ट्री के बारे में बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माही खान एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, तो काम करने का एक तजुर्बा, एक तरीका है। अभी एक जो नए आर्टिस्ट के हिसाब से और एक फिल्म इंडस्ट्री के एक साल की जो एंट्री हुई है वो धमाकेदार एंट्री है। हम भी एक नए आर्टिस्ट हैं और ये भी एक नई आर्टिस्ट हैं, एक तरह से काम शुरुआत किए हैं। एक साल का दिन कोई दिन नहीं होता है, लेकिन उसके हिसाब से एक जो पुराने आर्टिस्ट हैं, मैं नहीं कहूँगा उनके मुकाबले हैं, लेकिन यह है कि उनके हिसाब से एक बहुत अच्छे हैं, मैं तो कहने की कहूँगा। और रहकर रही बात मेरी फिल्म में, तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हम लोग के एक अच्छी केमिस्ट्री भी है, और काम करने के लिए जो एक हम लोग का सोच है, दोनों का एक ट्रैक है कि हमको इस काम को कम्प्लीट करना है और अच्छे से ऐसे बेस्ट देना है, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। और आगे रिजल्ट तो ऑडियंस के ऊपर है, वो आप लोग जैसा आशीर्वाद बनता रहेगा ऑडियंस को अब सामने देखने को मिलेगा। डेफिनेटली मेरा नाम माही खान है, ये तो पता ही है आप सभी को, और मेरा होम टाउन बिहार है। लगभग पटना में मैं 9 साल रह करके मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, और एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैंने सबसे पहले एंट्री किया, क्योंकि मेरे मम्मी पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। तो डॉक्टर ऑफ फिजियो जो कि मैं कंप्लीट कर रही थी महावीर वात्सल्य हॉस्पिटल पटना से, 3 साल कंप्लीट होने के बाद, चूँकि मेडिकल में तो एंट्री मेरी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था मन में, क्योंकि मेरा सपना था एक्टिंग फील्ड में आने का, कुछ बड़ा करने का। और डॉक्टर को तो लोग भगवान का रूप मानते हैं, बेशक इसमें कोई मतलब दो मत नहीं है, लेकिन मेरा सपना था कि भाई मैं एक्टिंग फील्ड में आऊँ, कुछ बड़ा करूँ, जहाँ मैं जाऊँ तो 10 लोग मेरा वेट करें, ऐसी कुछ ख्वाहिशें थी मेरी। तो एक्टिंग फील्ड में मैंने अपने फैमिली के विरुद्ध जाकर करके पहले एंट्री की, और थोड़ी बहुत परेशानियां जैसे सभी को होती हैं वैसे मुझे भी हुई, लेकिन मेरी फैमिली में मेरी मम्मी हमेशा मेरा सपोर्ट करती आई हैं, और उन्होंने धीरे धीरे मेरे पापा को भी कन्विंस कर लिया। तो आज के डेट में आज यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा सबको पता है कि आज मेरी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, पोस्टर लॉन्च हो रहा है, और सबसे पहले मम्मी ने और पापा ने ही विश करके मुझे यहाँ भेजा है। सो ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है अब तक की। यू वेलकम। सबसे पहले जो आपने देखा हुआ है कि इकबाल सर की बहुत बड़ी मेहनत है, और इकबाल सर को मैं थैंक यू सो मच बोलूँगा, क्योंकि इकबाल सर के साथ मेरी दोबारा दूसरी फिल्म है। पहले जब करियर की शुरुआत किए थे गुंडा फिल्म से, उसमें भी इकबाल सर ही डायरेक्टर थे, और वो तजुर्बा जो सीखा मैंने गुंडा की शूटिंग में, आज वो काम आया, और आज भी यार वो एक्सपीरियंस काम आ रहा है। और बहुत अच्छा उन्होंने एक्शन भी कराया, और सीन भी बहुत अच्छी कराया, और फिल्म की शूटिंग बहुत तो बिंदास करवाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इकबाल सर का बहुत कंफर्टेबल फील होता है, और काम करने में जो मज़ा आता है वो कभी पता लगता ही नहीं कि वार्डन इतना वर्क शूटिंग है, इतना टाइम लग गया, 8 घंटा हो गया, 10 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया, तो एक बहुत अच्छा लगता है। और इकबाल सर बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं।
देखिए, हर एक आर्टिस्ट के लिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके लिए खुशी होती है। तो वैसे एक शुरुआत अभी करियर का हमारा, एक पहली फिल्म थी, दूसरी फिल्म आ रही है और बहुत अच्छा, एक मन में उत्साह तो है ही कि उससे अधिक कोशिश करेंगे, उससे अच्छा एक ऑडियंस के बीच में एक अच्छा मैसेज देने का, अच्छी फिल्म देने का, अच्छा प्रोजेक्ट कम्प्लीट कराने का। तो एक पूरी कोशिश है कि जिससे गुंडा किया उससे अच्छा और उससे अधिक मेहनत करेंगे इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने के लिए। मैम, आपसे जानना चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे विनोद जी के बारे में कि बर्थडे पे जो एक्शन दिखा रहे हैं नहीं, रियल लाइफ में बहुत सॉफ्ट हैं, इतने मतलब कह नहीं सकता, पर्दे पे तो ऐसे दिखा रहे बहुत ही ज्यादा फैन है, पर रियल लाइफ में बहुत ही सॉफ्ट हैं, ऐसे है नहीं है। सब पति देव की मेहरबानी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था संजू बाबा की छाप आप में दिखाई दे रही थी कुछ ना कुछ। देखिए क्या है कि अब हम लोग एक आर्टिस्ट के रास्ते पे चल रहे हैं तो एक बच्चे की तरह हैं और हम लोग भी एक सीनियर से सीखने की कोशिश करते हैं, कहीं डायलॉग, कहीं सीन, कहीं एक्शन, तो कहीं साउथ से फिल्म से देखते हैं, सीखते हैं, और कहीं बॉलीवुड से देखते हैं, कहीं भोजपुरी से भी देखते हैं, और हर इंडस्ट्री से उठाकर कुछ ना कुछ तो देखने को मिलती है। तो कौन सा डायलॉग और कौन सा एक्शन कहाँ दिमाग में क्लिक कर जाए किसी आर्टिस्ट को पता नहीं होता है। जब वो अब कैमरे के सामने आता है और जब डायरेक्टर उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करता है तो आर्टिस्ट अपने हिसाब से उसको मैनेज करता है। तो हमने ज़्यादा देखी है ना, तो हमने उस चीज़ को जो मैनेज किया है काम करने का, कहीं ना कहीं किस चीज़ को कोलैबोरेशन में लाने की कोशिश किया कि हर एक्टर, हर आर्टिस्ट और हर हीरो ऐसे ही एक्शन करते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे तो अच्छा आएगा। वो किसका था, क्या संजू बाबा के थे कि सलमान जी के थे कि शाहरुख खान के थे या रवि जी के थे, मुझे नहीं पता, बट जो वो सामने थे जैसे विनोद यादव उसने प्रेजेंट किया। विनोद जी, यूट्यूब पर भी काफ़ी व्यूज मिलते हैं आपके वीडियोस को, उसके लिए वो कितना जरूरी होता है किसी कलाकार के लिए कि ज़्यादा व्यूज हो, ज़्यादा लोग देखें? देखिए, व्यूज बहुत ज़्यादा आए वो तो मायने नहीं रखता है, क्योंकि रखता है लोगों को इतना व्यूज आ गया, लेकिन आपको देखते कितने लोग हैं। और 1,00,000 में अगर आपको 10,000 लोग दिल से देखते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और 1,000,000 में भी अगर 1,00,000 लोग भी नहीं ढंग से देखते हैं तो व्यूज़ एक कमर्शियल के लिए अच्छा है, बट एक पर्सनली कितना आपके मन तक जगह बनती है वो देखने के ऊपर डिपेंड करता है। तो हर आर्टिस्ट की एक जगह और व्यूज आने का एक टाइम होता है, आज 1,000 व्यूज़ आ रहा है तो कल 1,00,000 आएगा, और आज 1,00,000 है तो कल 1,000,000 आएगा, वो टाइम लगता है। एक किसी भी आर्टिस्ट को एक इंडस्ट्री में किसी भी जगह में जाने में और उसको एक अपनी जगह एक छाप छोड़ने में तो टाइम तो लगता है, तो वक्त के साथ में व्यूज़ और लाइक और कमेंट अपने आप आने लगे। विनोद जी, जो स्थापित लोग हैं पहले से काफ़ी सालों से काम करें इंडस्ट्री में, उन्होंने कैसे आपको लिया, आपके कला को कितना ज़्यादा आपको सम्मान किया? देखिए, एक इंडस्ट्री खासकर हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हैं और सबके लिए दरवाजे बंद हैं। ठीक है, आप अपने मेहनत के ऊपर और अपने रिलेशन के ऊपर, अपने संबंध के ऊपर और अपनी एक किस्मत के भी साथ में इसमें कह सकते हैं कि जितना आप अपनी मेहनत को कंटिन्यूटी रखेंगे उतना ही किस्मत साथ देती है, उतने ही लोग आपको लाइक करते हैं। कितना वो अच्छा एक्टर हैं, कितना वो अच्छा काम करते हैं, एक काम करके अगर आपने डिसकंटिन्यू हो गए, गैपिंग दे दी है, तो दोबारा उस जगह मिलना मुश्किल होता है। तो कोई भी मैं कलाकार को एक संदेश भी कहूँगा और अपना एक्सपीरियंस भी कहूँगा कि जो भी काम कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जितना भी आपको आता है उसको प्लीज़ कंटिन्यू करिए। जब कंटिन्यू करेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री मेरी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि सबके लिए रास्ता खाली है, जगह खुला हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह मिलती जाएगी। तो ऐसे हमने भी कोशिश किया, आज नहीं होगा कल नहीं, हमने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, बहुत सारे धक्के खाए हैं, बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं, फायदे भी हुए हैं, तो एक जगह आने लगी है तो एक अच्छा लग रहा है, और दिन प्रतिदिन एक पॉजिटिविटी एनर्जी भी मिल रही है, काम करने का एक एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आज डबल डबल धमाका है जी, आज जन्मदिन भी है और ये भी फर्स्ट लुक भी आउट हुआ है जी, तो खास करके ये आप दिन क्यों चुना आपने? ये दिन मैंने नहीं चुना, एक्चुअली हम लोग फर्स्ट लुक अभी लॉन्च करने वाले थे नहीं, अभी ट्रेलर लॉन्च होता अप्रैल में, अभी करीब करीब 40% फिल्म बनी है, 60% फिल्म बाकी है बनना, तो वो ये सब इकबाल सर का प्लान है, इकबाल सर का देन है कि बर्थडे पे क्या करते हैं, तो एक जन्मदिन पर उन्होंने कहा कि एक फर्स्ट लुक ट्रेलर जो है टीजर डालते हैं, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है, तो जो भी ये प्लान बनाया वो इकबाल सर के देन है, और उनके प्लान से 2 दिन में सब तैयारी हुई है लास्ट टाइम पे। अभी मैं 2 दिन पहले बॉम्बे आया, शूट करने के बाद मैं घर चला गया था, फिर वापस आया तो ये सब तैयारियां चल रही थी। तो ये सब के बाद क्या धमाल होने वाला, कहाँ जाने वाले आप लोग, कहाँ पार्टी वार्टी मनाने वाले, क्या कर रहे? अभी तो वो सब कुछ चीज़ें सस्पेंस होती हैं, एक होता है कि ठीक है पार्टी तो कल भी हुई पार्टी, आज भी पार्टी हो रही है, आपको भी शायद पीछे पीछे आप भी आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग का वेलकम है, आप हर जगह, बिना आपके साथ हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर आप हमको दिखाएंगे नहीं तो लोग मुझे जानेंगे नहीं। हर सेलिब्रिटी के पीछे मीडिया का बहुत बड़ा हाथ होता है, वो चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे बॉलीवुड हो और चाहे हॉलीवुड हो,
तो आप लोग का साथ हरदम बना रहेगा और ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग बनाए रखेंगे। विनोद जी, भोजपुरी इंडस्ट्री 3-4 महीने से विवादों में चल रही है, आपके साथ भी काफी विवाद हुआ है, आप किस तरह से तैयारी किए हैं इस विवाद से बचने के लिए? देखिए सर, विवाद तो एक जिंदगी का हर पल, जैसे आपके शरीर एक मानव शरीर होती है, वैसे जब आप जन्म लेते हैं तो बहुत साफ सुथरा खून होता है, ब्लड होता है, जैसे जैसे बड़ा होते हैं वैसे आपके ऊपर एलिगेशन लगना स्टार्ट होता है और आपके आप बड़े होते हैं, आप बीमार पड़ना शुरू होते हैं, तो जब बीमार पड़ते हैं तब इलाज कराते हैं और उसका मेडिसिन लेते हैं, प्रिकॉशन लेते हैं और ठीक हो जाते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी को अच्छे जीने की कोशिश करते हैं। तो एक लाइफ का एक तजुर्बा यही कहता है कि अगर आप किसी बिजनेस या किसी भी एजुकेशन में, इंडस्ट्री में या वर्क में या जॉब में कहीं पर भी जाते हैं, जितनी परेशानियाँ आती हैं तो इसको कभी आप दिल से मत लीजिए ना दिमाग से लीजिए, इसको एक एक्सेसरीज समझिए, आपके जन्म से नहीं आया था, वो आया था और चला जाएगा। तो इसलिए मैं इस मुद्दे पे मेरा कोई कमेंट नहीं है ना किसी पे कोई चीज़ है, मैं कहना चाहता हूँ एक लाइफ का एक हवा आता है और चला जाता है, तो ये सब आना जाना इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है और वो बहुत बड़े उसके सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए कोई मतलब नहीं। ये भी जानना चाहेंगे, भोजपुरी फिल्म जो बन रही है वो एक बदलाव की तरफ जा रही है, लेकिन आप फिर से पुराने उसी चीज़ पे आ रहे हैं, मार धाड़ इस पे आ रहे हैं, कितना इसमें रिस्क ले रहे हैं या फिर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं? देखिए ज़माना क्या है, बहुत आगे बढ़ चुका है, अभी जो कोशिश है फिल्म का पर्दे पे जो देख रहे हैं कि मार धाड़ है, मार धाड़ देखिए तब भी थी, अब भी और आगे भी रहेगी, वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी और नहीं एडवांस हो गया मार धाड़, पहले लोग गोली से मारते थे, अब स्वीट पॉइजन से मारते हैं, तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी दिखाएंगे तो बहुत सारा अच्छा आपको देखने को मिलेगा, जो आज मैं दिखा रहा हूँ ये 10 साल पहले लोग करते थे और 10 साल आगे तक भी करते रहेंगे। तो एक फिल्म का तो कहानी है, वो अलग चीज़ है, और जो इंडस्ट्री की बदलाव की बात है, इंडस्ट्री की बदलाव आपको आपकी कहानी के ऊपर डिपेंड करता है और वो मेरी अकेले बदलने से नहीं बदलेगी, ऑडियंस से बदलाव बदलती है, किस तरह से ऑडियंस आपको लाइक करते हैं। लोग कहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री बिगड़ गई, भोजपुरी इंडस्ट्री खराब हो गई, भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता आ गई, तो बनाने वाले की गलती नहीं है, देखने वाले की गलती है। आप अच्छे मेकर्स हैं, अच्छे फिल्म बना के देंगे तो उसके बाद आपको अच्छे लोग देखेंगे, आप क्वालिटी मेंटेन करेंगे, अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे, अगर सी ग्रेड आप फिल्में बनाएंगे, सी ग्रेड आपके ऑडियंस आपके पास, तो उसी ग्रेड की देना ना, तो जितने आपको अच्छी फिल्म बनाइए, अच्छे लोग जुड़ें, शुरू में कम आपके व्यूज़ आएंगे, कम लोग देखेंगे, लेकिन फ्यूचर के लिए बहुत स्ट्रांग बन के निकलेंगे। तो मेरी कोशिश ये रहती है क्वालिटी के साथ और समाज के साथ और इंडस्ट्री में एक जो एक इज्जत है फिल्म की और एक भोजपुरी भाषा की, उसके साथ कोई भी कम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। मेरी फिल्म में कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं दिखाई जाएंगी जो भोजपुरी समाज में बहन बेटी माँ को देखने में दिक्कत हो, और आप कभी कोई मीडियागण और चाहे कोई भी उंगली उठा पाए कि आपकी फिल्म में ऐसा अश्लीलता है या परेशानी है। मेरी फिल्म एक संदेश युक्त है, वो आपने टीजर देखा है, बाकी अभी बहुत सारी चीज़ देखना, बाकी जब पूरी फिल्म देखेंगे तो समझ में आ जाएगी कि हमारी फिल्म के संदेश क्या है। मैम, आप कब आने वाली हिंदी सॉन्ग कोई आप करेंगे आप आने वाले दिनों में? क्या प्रोड्यूसर भी है तो कभी आप हिंदी सॉन्ग करेंगे? अभी सोचा नहीं इस बारे में, करने के इरादे हैं आपके कोई? अभी तक तो नहीं। विनोद जी, आपका जो एक सॉन्ग आया था जिसमें आपने शॉर्ट ड्राइव पर चल, वो हिट हुआ, पॉपुलर हुआ, फरवरी में आया था जी जी, आप हिंदी की तरफ ऐसा लगा कि आप हिंदी की तरफ मूव कर रहे हैं, वापस भोजपुरी में आ रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताऊँ आपको, जैसे लोगों को लगता है एक आप कभी जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे लोग कहेंगे कि भोजपुरी करते हिंदी नहीं काम आता नहीं या करना नहीं चाहते हैं, तो मेरा एक संदेश था कि मैं हर काम करना, हर भाषा में पिक्चर करना चाहता हूँ, हर भाषा में गाना करना चाहता हूँ, मुझे गुजराती भी आती है, मुझे इंग्लिश भी आती है, ठीक है, आई एम ऑल्सो डॉक्टर, मैं PhD कर रखा, मैंने खुद ही पढ़ा लिखा इंसान हूँ, तो मुझे गुजराती भी आती है, उर्दू भी आती है, हिंदी भी आती है, भोजपुरी भी आती है, तो मैं हर भाषा में फिल्म करना चाहता हूँ, तेलुगु में भी करना चाहता हूँ। तो एक मेरा एक सोच था कि चलो ठीक है कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, अभी आज हिंदी में देखें, कल गुजराती में, परसों पंजाबी, एक आर्टिस्ट के लिए कोई ये वो वर्ड नहीं है कि आप इसमें किए तो इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आर्टिस्ट कलाकार है, किसी भाषा में काम कर सकता है, और हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारे देश की भाषा है, हम हिंदुस्तानी हैं तो हिंदी भाषा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी हमारी भोजपुरी रीजनल भाषा है उसका सम्मान करते हैं और हिंदी भाषा के बढ़ाने की कोशिश करते हैं, एक हर आर्टिस्ट का सोच होना चाहिए, मेरी भी यही सोच है। ओके, थैंक यू सो मच। इकबाल बख्शी चालीसा पढ़ा जा रहा था, इकबाल बख्शी चालीसा तो नहीं पढ़ा जा सकता है एक्चुअली। क्या कुछ कहना चाहेंगे इकबाल भाई? करमपुत्र एक एक्शन सिनेमा है और मैं ये फिल्म विनोद जी को लेके इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने गुंडा फिल्म की थी इनके साथ में, तो एक्शन में ज़्यादा अच्छा लगते हैं ये, तो एक्शन सब्जेक्ट इनके लिए चूज़ किया और इस फिल्म को शुरू किया, कुछ शूटिंग की हम लोगों ने और बहुत सारा काम अभी हम लोग करने वाले हैं इसी महीने में और आखिर अगले महीने में फिल्म को ख़त्म करेंगे जी। इकबाल भाई, दोनों माही और विनोद के बारे में कैसी केमिस्ट्री रही और कैसी होने वाली है थोड़ा सा? माही और विनोद की केमिस्ट्री एक्चुअली क्या है, अच्छी है, क्योंकि सिनेमा में जो है माही का कैरेक्टर जो है वो श्रूड लड़की का है, एकदम इगोइस्ट
और नकचड़ी और बहुत ज़्यादा तेवर वाली, और विनोद का करेक्टर जो है वो एक गुंडे का है एक्चुअली। दोनों के बीच में दुश्मनी से तकरार से बात शुरू होती है और प्यार तक पहुंचती है। ये ट्रैक है एक्चुअली फिल्म का, ये अलग ट्रैक है। इसके बाद पाइपलाइन में एक्चुअली मैं बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म्स की वेब सीरीज़ कर रहा हूँ। मैंने एक दिल्ली वाला दिल किया है, इल्ज़ाम किया है, उसके बाद मैं ट्रैप किया है, नवादा क्राइम किया है, और मेरी एक बहुत बड़ी फिल्म आ रही है सुल्तान मिर्ज़ा, आप तो जानते ही हैं उसके बारे में, वो कंप्लीट होने वाली है फिल्म, और 3-4 वेब सीरीज़ और हैं जो दूसरे OTT प्लेटफॉर्म के लिए। काफ़ी काम है एक्चुअली जी। सर, सॉन्ग की बात करें तो सॉन्ग क्या-क्या होने वाले हैं और क्या कोई आइटम सॉन्ग होगा? फिल्म में आइटम सॉन्ग भोजपुरी में तो होता ही, आप लोग तो करते रहते हैं सर, देखते रहते हैं। एक सबसे बड़ा हुआ आइटम सॉन्ग के, हाँ ये आइटम सॉन्ग के लिए बहुत परेशान रहता है। नहीं, अभी आपने फाइट देखी नहीं है, अभी ये बहुत छोटा सा एक नमूना था। ये एक्शन सिनेमा है, इसमें एक्शन बहुत यूनिक है एक्चुअली। अभी किया नहीं, वो जो एक्शन करने वाले हैं ना हम लोग, वो किया नहीं। एक छोटा सा एक जो था, इनके बर्थडे पर एक विश करना था हम लोगों को, हमारे ग्रुप को, हमारी टीम को, कि विनोद जी को हम लोग एक मतलब मुबारकबाद। मैं भी पहली बार देखा, मुझे अभी तक नहीं पता था, इनको पता ही नहीं था कि एक्चुअली है क्या। बर्थडे करेंगे बस, तो मैं समझा पोस्टर लॉन्च करेंगे इवनिंग के, वो ट्रेलर को या टीजर। तो इसलिए ये किया है, आप लोगों को बुलाया है, आप लोग अभी इसको प्रेस में इसको प्रमोट करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा जी। अभी हम आपके सहयोगी जो कलाकार हैं, उन्होंने कहा कि ये गए थे मिलने के लिए आपने उनको। हाँ, ये देव तिवारी जो हैं एक्चुअली, ये मेरी फिल्म में काफ़ी फिल्में मेरी कर चुके हैं एक्चुअली। सुल्तान मिर्ज़ा में कर रहे हैं, देवगिल के साथ में उनके छोटे भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं, नवादा क्राइम में बहुत बड़ा कैरेक्टर किरदार किया है, उसके बाद में 2-3 एक मेरे साथ में डेविल रिटर्न्स कर रहे हैं जो मेन लीड कर रहे हैं एक्चुअली, वो एक्चुअली हॉरर सिनेमा है। और वो सेट पे वैसे ही नाला सुबारा में शूट कर रहे थे हम लोग, तो नाला सुबारा उनका एरिया है ना, वहाँ के गुंडे हैं एक्चुअली, वहाँ के भाई हैं एक्चुअली। तो हम लोगों ने उनको बोला कि भाई वहाँ पर शूटिंग करने आ रहे हैं, थोड़ा संभाल लीजिएगा। तो ये आए सेट के ऊपर, जब आया तो मुझे कैरेक्टर में मुझे ऐसा लगा सोनू सूद आ गया है। आपने देखी होगी ना फिल्म, वो अपना आर राजकुमार, शाहिद कपूर और सोनू सूद। सोनू सूद बहुत खूबसूरत है लेकिन विलन है ना, आप समझ रहे हैं। एक लंबा चौड़ा लड़का चाहिए था मुझे विलन के लिए, जिसके लिए मैं अयाज को सोच रहा था, अयाज खान को, लेकिन ये अच्छे लगे मुझे। विनोद जी से पूछा मैंने, विनोद जी बोले लड़का ठीक है ले लेते हैं इनको, नहीं समझे बात, तो वहीं कपड़े चेंज करा के उधर ही डायलॉग बुलवा लिया और एक्शन भी करवा लिया। तो फिर ऐसे तो आपके सेट पे ऐसे ही लोग आते रहेंगे फिर आप? नहीं, पसंद भी आना चाहिए भाई, ऐसा नहीं है, हाँ जरूरी है। चलिए हिमायत जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे पूरे एंटायर टीम को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगा भाई, मेरी बहुत दिली दुआएं हैं इन पूरी टीम को और इकबाल भाई को खासकर, क्योंकि इन्होंने मेरी फिल्म सुल्तान मिर्ज़ा डायरेक्ट की है, क्योंकि सुल्तान मिर्ज़ा का प्रोड्यूसर मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इनके एक्शन के तो आप लोग सब कायल हैं, मतलब जानते हैं कि ये एक्शन बहुत अच्छा करवाते हैं, और इनके पास खूबी है शॉट्स लेने की और प्रेजेंटेशन देने की, एक हीरो को, नए हीरो को और एक टैलेंटेड एक्टर को कैसे काम करवाना, वो इनके पास खूबी है, इसीलिए मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। अब ये कहें तो शायद मैं ये पहली फिल्म कर लूँ भोजपुरी, बट मैंने अभी तक के भोजपुरी किया नहीं, आप लोग जानते हैं मैं इस फिल्म में कराने वाला हूँ वैसे। तो अगर ये कहेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन भाई इनसे ही मैं सीखूँगा और क्या है, मैं सिखाऊंगा भी इनको। देव जी आपसे भी जानना चाहेंगे कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ कहना चाहेंगे सब सब पर। आप सेंटर में आ जाइए प्लीज़, आ जाइए इधर, आइए देव जी मेरे बगल में आइए, आइए इधर विनोद जी के पास आइए। हाँ, इकबाल जी का आशीर्वाद है कि सेट पर गया, और मैं भी भोजपुरी ये पहली बार कर रहा हूँ, इसके पहले इकबाल सर के साथ किया हूँ मैं नवादा क्राइम, सुल्तान मिर्ज़ा कर ही रहा हूँ सर के साथ, इन लोगों का आशीर्वाद है बस। जैसे इकबाल भाई ने कहा कि आप नाला सुपारा के गुंडे हैं, अरे नहीं सर, बस ऐसे ही मस्ती में बोल दिए, मजाक कर रहा हूँ। एक्चुअली फिल्मों में ये गुंडे का रोल ही करते हैं ना, इसलिए मैंने गुंडा बोला। नहीं, अच्छा लड़का है, मेहनती है, टैलेंटेड है, और काफी मतलब बहुत जबरदस्त, सुल्तान में भी देखा, एक्टर भी बहुत जबरदस्त। हमारी शुभकामनाएं देव जी आपको, आप सबको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विनोद जी का बर्थडे मनाएंगे ये अपने अपने, एक आराम से।
आगे वहाँ से आके सेलिंग कौन करो चाट का ना सर महेश रो अजय रोल महेश रोल सर कर्मपुत्र कहना चाहेंगे क्या कर्मपुत्र की पूरी टीम को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, खासकर हमारे इकबाल भाई बख्श जी को और वी कुमार जी को और हमारे विनोद यादव जी को। इस पूरी टीम ने पहले भी एक फिल्म की थी, ज़बरदस्त फिल्म की थी और गुंडा, और अब एक फिल्म आ रही है कर्मपुत्र। तो नाम से ही सजेस्ट करता है कि भैया ये फिल्म समाज के एक तबके की कहानी होगी, जो कर्म पर विश्वास करता है, जो धर्म पर विश्वास करता है, जो मर्म पर विश्वास करता है। और हम सब जानते हैं कि हमारी हिंदुस्तानी ऑडियंस, भोजपुरी ऑडियंस ऐसी फिल्मों को सर पे उठाती है जिसमें हीरो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो कर्म दिलपाल जी, जैसे कि भोजपुरी मूवी है, कोविड के बाद शुरुआत हो रही है, क्या कहना चाहिए? हाँ, तो कोविड के बाद अब बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हो रही है। कोविड में खुद कह रहा है कि भाई शुरुआत करो, मुझे तो फ्री कर दो। वो तो कुछ हमारी पॉलिटिक्स है जो उसको फ्री नहीं कर रही है, कुछ गंदे न्यूज़ वाले हैं जो उनको फ्री नहीं कर रहे हैं, न्यूज़ पे दिखा दिखा के परेशान कर रहे हैं। और ना कोरोना नहीं, कुछ मैंने कहा कुछ गंदे, तुम तो बहुत सच्चे हो, हालांकि कोरोना तुमसे डरता है, लेकिन इन सब लोगों से ही थोड़ा कोरोना परेशान है। वरना कोरोना ने कहा कि भैया शुरू करो, 2021 तुम्हारा है, तुम सबको मेरी तरफ से 2021। दिलपाल जी, आपकी फिल्मों के लिए लोग वेट कर रहे हैं, कब आने वाले, क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके? बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें एक फिल्म तो मेरी खुद की होम प्रोडक्शन की आ रही है, लॉकडाउन टू अनलॉक। ये लॉकडाउन पर आधारित है, जिसमें मैं हूँ, मास्टर गणेश आचार्य जी हैं, विजय पाटकर जी हैं, आशुतोष कौशिक जो बिग बॉस के विनर है, और एहसान कुरैशी है, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो आपको जाने पहचाने हैं। एंड सोनू निगम साहब ने गाना गाया, शाहिद मालिया जी ने गाया, शबाब साबरी और मोहम्मद अजीज़ साहब की बेटी जो है सना अजीज़ इसमें डेब्यू कर रही है। बहुत अच्छा आइटम सॉन्ग गाया है इन्होंने और बहुत अच्छा फिल्म बन पड़ी है। तो ज़रूर आप आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आई लव माई मीडिया, आई लव माई इंडिया। सुनील पाल जी, दीदी काफ़ी परेशान है, उनके पैर में लगा है, दीदी के क्या कहना चाहिए आप? दीदी तो भी यही गाना गा रही है, आमार मोंटल लिए जाए, ताड़ा ताड़ी किए जाए, टांग 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 तोड़ा, टांग टांग टांग। दीदी टांग आपकी जो टूटी है ये बीजेपी ने तोड़ी, ऐसा इसका क्या सबूत है? उड़ी बाबा, नंदीग्राम में जिस रोड पे हमारा टांग टूटा है, उस रोड का नाम है, उस रोड का नाम ही अहमदाबाद रोड है। और हमको तो शौक है कि वो जो टायर है वो भी मोदी टायर है, अभी मोदी हमारा बीजेपी से और हमारा बांग्ला से रिटायर है, बात करता है। दीदी का पीछे मत पड़ो, हमारे पास ऑलरेडी सीट है व्हील चेयर का। तो बहुत अच्छा है, सबको शुभकामनाएं और सब अच्छा काम करें, मित्र रहो, खुश रहो। जी जी जी, आप कितना फॉलो करते हैं भोजपुरी फिल्मों को और आज के दौर में क्या कहना चाहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? भोजपुरी फिल्म तो सदियों से हमारे हिंदुस्तान की जान रही है। मुझे ऐसा लगता है कि अवधी लैंग्वेज हो, मैथिली लैंग्वेज हो या भोजपुरी लैंग्वेज हो, इस पर जितनी फिल्में बनती है वो सब हमारे देश और हिंदुस्तान से जुड़ी हुई होती है। कहानी पारिवारिक कहानियाँ होती है, किसानों की कहानियाँ होती है, एक ऐसे तबके की जो हिंदुस्तान की हिंदुस्तान के जिसे कह सकते पुत्र कहा जाएगा, चाहे वो किसान हो, जवान हो या हमारा मजदूर यूनियन हो। क्योंकि मेरा जो जन्म हुआ था वो 2 मई को हुआ था और 1 मई को मजदूर दिवस होता है, 2 मई को ये मजदूर पैदा हुआ था जो आज तक आप सबकी सेवा में लगा हुआ है। तो विनोद भाई को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, विनोद यादव बहुत अच्छी फिल्म बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी इनकी फिल्म आई थी गुंडा, जो कि समाज के एक शोषित समाज पर था कि जिसमें जब इंसाफ नहीं होता है, अन्याय होता है, तो कैसे आदमी अपना फैसला खुद करने की सोचता है। और अब तो ये कर्मपुत्र नाम से लेकर आ रहे हैं, तो कर्मपुत्र शब्द में ही सब कुछ आ गया है कि जो अच्छा काम करे देश के लिए, और ऐसी कहानी है जो समाज को और समझ को आगे बढ़ाएगा, जो समझ में है वही समाज में। सर, आज विनोद जी का जन्मदिन भी है, आप अपने स्टाइल में किस तरह से उन्हें विश करना चाहेंगे? विनोद यादव जी, आप जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कोरोना 1 और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप हो भोजपुरी और बॉलीवुड के लाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा सुनील पाल और सारी मीडिया से कहूँगा लव यू ऑल। और अभी हमारी फिल्म भी आ रही है लॉकडाउन टू अनलॉक, उसे भी प्रमोट कीजिए, लॉकडाउन के ही पृष्ठभूमि पर बनी है फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है, बन पड़ी है, फिल्म सेंसर में गई है, सेंसर के बाद वो संसार में आएगी और समझ के बाद वो समाज में आएगी। तो आप इसे एंजॉय कीजिए और बाकी क्या कहूँ, यही कहूँगा
कि आई लव माई इंडिया एंड आई लव माई मीडिया. थैंक यू, थैंक यू. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.